तैयार हो सब सुनने के लिए? ताली बजाइए इसी वक्त में। ये सो रहा है ना, तो इसके पास में तो हमको खेलना है गिलहरी और खरगोश। गिलहरी और अब देखो ये इसके ऊपर चढ़ गए है ना। खेलते खेलते वे दोनों हाथी की पीठ पर चढ़ गए। देखो ये दोनों खेले, बकरी भी खड़ी है पास में है ना। देखो ये पीठ पे चढ़ गए और बकरी पास में खड़ी है। तभी वहाँ बकरी भी आई है ना। ये देखिए ऊपर चढ़ रही है और ये दोनों खेल रहे हैं। खरगोश और गिलहरी उसकी पीठ पर कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। बकरी भी पीठ पर चढ़ने लगी। अब क्या हुआ देखिए, ये देखो गिर गए, गिर तो दिख रहा है ना सब। हाथी खड़ा हो गया और ये सब गिर गए। तो देखिए अचानक हाथी सोकर उठा, तीनों उसकी पीठ से गिर गए। आगे देखिए, ये देखिए हाथी जा रहा है, खरगोश और गिलहरी भाग रहे हैं और बकरी उसी के पास में खड़ी है, दिख रहा है ना। देखिए गिलहरी और खरगोश भाग गए मगर बकरी वहीं खड़ी रही। देखो ये खरगोश और गिलहरी बाहर हैं, दूर है, और बकरी हाथी की पीठ पे बैठी दिख रही है ना। तो देखिए वे दोनों दोस्त बन गए। दोस्त कौन कौन बन गया? बकरी और हाथी। तो ये कहानी आपकी हो गई खत्म। चलिए एक बार फिर इस कहानी को हम दोनों सब लोग पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों ये बताओ, तुम लोग ने कहानी अच्छे से सुन ली? यस मैम। ठीक, ये बताओ इस कहानी में कितने जानवर हैं? कौन कौन से? तनु बताओ कौन कौन से जानवर है? सही बताया? वेरी गुड, बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ इस कहानी में कौन सो गया था? हाथी। अच्छा, और हाथी के पीठ के ऊपर कौन कौन लोग खेल रहे थे? कौन कौन खेल रहा था? गिलहरी और बकरी। और बाद में कौन आया, सबसे लास्ट में कौन सा जानवर आया था? बकरी। हाथी जब जग गया तो क्या हुआ, कैसे गिर गए थे? जब हाथी उठने लगा तो सारे जानवर गिर गए। अच्छा बताओ हाथी को छोड़ के कौन कौन जानवर भागा था? अल्फिया बताओ, अल्फिया। हाथी को छोड़ के, हाँ, गिलहरी और खरगोश उसको छोड़ के भाग गए है ना। अरहान बताओ उसके साथ कौन खड़ा था? बकरी। तो हाथ, जब साक्षी बताओ हाथी ने क्या सोचा बकरी के बारे में, बताओ। हाँ, बकरी मेरी दोस्त है, यही सोचा ना। बहुत अच्छा। अच्छा बताओ बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, बताओ। अरहान कोई बताएगा इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसमें दोस्त कौन कौन बने थे लास्ट में? हाथी। तो क्या हमें अपने दोस्त को छोड़ना चाहिए? नहीं। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्त को नहीं छोड़ना चाहिए, जरूरत के समय पे हमें अपने दोस्त का साथ देना चाहिए। ठीक, अब सब लोग ताली बजा दो इस कहानी के लिए। बहुत बढ़िया।